अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन रीड कर लें। तो क्वेश्चन नंबर वन में आपको सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन है 15,500। अच्छा, लेटर द फॉलोइंग एरर्स वर रिवील्ड। अच्छा, थ्री एरर्स दिए हुए। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या, करेक्ट बैलेंस इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, इसमें क्या एक ही बैलेंस ही हुआ है कंट्रोल अकाउंट का? तो इसमें हम सिर्फ कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी कि अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलेशन क्वेश्चन नंबर वन। अब इसका बैलेंस कितना दिया हुआ है? 15,500 डेबिट हो जाएगा। ओके, अब एरर्स की करेक्शन करते हैं। एरर ए, सेल्स डे बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 400। तो क्या मतलब हुआ, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट बाय 400? कास्टिंग मीन्स क्या होता है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, टोटल कम किया या टोटल ज्यादा हुआ ना? तो अंडरकास्ट मीन्स कि आपने सेल्स डे बुक का टोटल कम किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेल्स को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, सेल्स इंक्रीज होंगी तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 400, ठीक है। तो सेल्स डे बुक हमारी अंडरकास्ट थी, सेल्स को हमने इंक्रीज किया तो सेल्स हो गई क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। अच्छा, एरर बी, बी में सेल्स रिटर्न ऑफ 500 वाज रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। साइड चेंज हो रही है, तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में सेल्स रिटर्न किस साइड पर आती है? इसकी डबल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अब हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था और इसको कहाँ लिखा हमने, रॉन्ग साइड यानी कि डेबिट पे। तो सेल्स रिटर्न को हमें लिखना था रिसीवेबल में क्रेडिट पर, हमने उसे पोस्ट किया डेबिट साइड पर, साइड चेंज हो रही है तो करेक्शन क्या होगी, डबल से क्रेडिट करें। तो ये अकाउंट रिसीवेबल डबल से क्रेडिट हो गया 1,000। एरर सी, कॉन्ट्रा सेट ऑफ वॉज ऑमिटेड फ्रॉम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेट ऑफ की डबल एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। सब ये ऑमिट है, इसको पोस्ट कर देंगे तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ गया 15,900। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे और ये हमारे पास बैलेंस आ गया 14,600, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर, कॉपी कर लें। अब क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन है 37,400। लेटर द फॉलोइंग एरर्स वर रिवील्ड। तो इसमें बनेगा अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस आ गया 37,400। आप करेक्शंस करते हैं। एरर ए, परचेज बुक वॉज अंडरस्टेटेड बाय 500। अच्छा, तो परचेज है वो अंडर स्टेटेड है तो परचेजेस को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, परचेज इंक्रीज होंगी तो डेबिट, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा। परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट, एरर बी, परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो पेबल कंट्रोल अकाउंट में परचेज रिटर्न किस साइड पर आती है, परचेज रिटर्न की डबल एंट्री क्या होती है,
परचेज रिटर्न, क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल, डेबिट। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट करना था रॉन्ग साइड, यानी कि क्रेडिट में रिकॉर्ड किया उसने, करेक्शन क्या होगी, डबल से डेबिट करेंगे ना, तो अकाउंट्स पेबल डबल से डेबिट हो जाएगा, ये करेक्शन हो गई, एरर बी। अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका टोटल आ गया 37,900 और इसमें से 800 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ गया 37,100 एडजस्टेड बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट। कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको दो बैलेंसेस गिवन है। पहले से दिया बैलेंस एज पर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 44,500 और सेकंड है बैलेंस एज पर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस 37,800। अब इसमें कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी है और लिस्ट का टोटल भी दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें इन दोनों को एडजस्ट करना होगा, करेक्ट करना है, दोनों बैलेंस सेम हो जाएंगे। अब एरर दिया हुआ यहाँ पर, पहले एरर क्या, सेल्स दे बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500, फिर एरर बी और एरर सी दिया हुआ। अच्छा, इसमें पहले हम बनाएंगे कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 44,500 का बैलेंस आ गया। अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बनाए इसको लिस्ट के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। अच्छा, एरर ए, सेल्स डे बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट है, सेल्स को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, सेल्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा ना, सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। एरर बी, सेल्स रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट की बात हो रही है, कस्टमर अकाउंट की बात कर रहा है, तो इसका कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट होगा जी? हो सकता है, नहीं होगा। देखिए, अब वो जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था वो समझाता हूँ, देखिए वो इसीलिए बनवाया था। अब इसको जरा फॉलो करते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, इसमें वहां लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट के बाद क्या बनता है, लिस्ट ऑफ बैलेंस, वहां से हमें टोटल बैलेंस मिलता है ना। तो अगर आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में कोई एरर करते हैं, पर्सनल अकाउंट में, तो उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, लिस्ट के टोटल पे आएगा, लिस्ट का बैलेंस रॉन्ग हो जाएगा ना। कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से कोई भी एंट्री कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट नहीं होती ना। कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग हम कहाँ से करते हैं, डे बुक से। डे बुक का जो टोटल आता है, टोटल हम पोस्ट करते हैं कंट्रोल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट से कोई भी एंट्री कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट नहीं होती, इसलिए अगर पर्सनल अकाउंट में जो एरर आएगा तो उसका इफेक्ट लिस्ट के बैलेंस पे होगा, कंट्रोल अकाउंट पर नहीं। तो एरर बी का इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पर नहीं होगा, ठीक है। एरर सी, डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000 वाज ट्रीटेड एज क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर लिस्टिंग। क्योंकि वो लिस्ट की बात कर रहे हैं कि लिस्ट बनाते हुए हमने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट ट्रीट किया, इसका कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट होगा या लिस्ट पे इफेक्ट होगा, लिस्ट के बैलेंस पे इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि लिस्ट बनाते हुए हमने मिस्टेक की है। कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस पर एरर सी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसको सेल्स रिटर्न कर दे, काट के डिस्काउंट अलाउड लिखा, उसको काट के सेल्स रिटर्न कर दे। अच्छा, तो सी का इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पे नहीं होगा ना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो अपने जो लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट बनाते हुए हमने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट ट्रीट किया, तो उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, लिस्ट के टोटल पे, कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एरर सी की भी कंट्रोल अकाउंट में कोई करेक्शन नहीं होगी और यहीं पे हमारा ये कंट्रोल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कंसोल अकाउंट 45,000। क्लियर? अच्छा तो अभी अभी बातें कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। अच्छा सेकंड, इसमें जो लिस्ट का बैलेंस है आप उसे एडजस्ट करेंगे और वो एडजस्ट होने के बाद कितना आएगा, 45,000 हो जाएगा। दोनों बैलेंस रिकनसाइल होंगे। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह BRS से हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आएंगे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कंसोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट का बैलेंस। लिस्ट का बैलेंस कितना है, 37,800। अच्छा बताइए, जो बैलेंस है ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि रिसीवेबल की बात हो रही है, रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है ना। अच्छा तो यहाँ पे जरा समझने के लिए, उसको आसान करने के लिए लिख भी लेते हैं डेबिट। लिख देता हूँ आपको, ये आपका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है। अच्छा अब करेक्शन करते हैं। अच्छा बताइए, एरर ए का लिस्ट के बैलेंस पे कोई इफेक्ट आएगा? एरर ए, सेल्स डे बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500, इसका लिस्ट के बैलेंस पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्यों? हाँ क्योंकि देखिए, मैं वो फ्लो चार्ट दिखाता हूँ दोबारा आपको। देखिए ये हमारी डे बुक्स है, डे बुक का टोटल हम कहाँ लिख रहे हैं, टोटल कहाँ आ रहा है, कंट्रोल अकाउंट में। तो डे बुक्स का टोटल हम पोस्ट करते हैं कंट्रोल अकाउंट में, तो डे बुक अगर आपकी ओवर या अंडर कास्ट होगी तो उसके इफेक्ट सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पर होगा, लिस्ट के बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब एरर ए का इफेक्ट लिस्ट के बैलेंस पे नहीं होगा, ठीक है। एरर बी, सेल्स रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो इसका इफेक्ट लिस्ट के बैलेंस पे आएगा। अच्छा सेल्स रिटर्न रिसीवेबल में किस साइड पर आती है? सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो हमें अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, रॉन्ग साइड हमने डेबिट पे रिकॉर्ड किया, तो करेक्शन क्या हो गया, डबल से क्रेडिट करेंगे। और डबल से क्रेडिट करने का मतलब यहां से माइनस होगा प्लस होगा। अब डबल से हम क्रेडिट करेंगे ना, डबल से क्रेडिट करेंगे तो डेबिट बैलेंस में से ये क्रेडिट माइनस हो जाएगा। और दूसरे इसमें याद रखना है, रिसीवेबल क्रेडिट में क्या होते हैं, डिक्रीज। डबल से क्रेडिट करेंगे तो रिसीवेबल डिक्रीज होंगे, माइनस कर देंगे। नहीं समझ आए? सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ वो कह रहे हैं हमने उसे रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड किया, यानी कि रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे, डबल अमाउंट से रिसीवेबल क्रेडिट होंगे। और रिसीवेबल क्रेडिट में क्या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है ना, क्योंकि जब रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो रिसीवेबल आपके डिक्रीज होंगे, क्रेडिट होंगे, तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। एरर सी, डेबिट बैलेंस वॉज ट्रीटेड एज क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर लिस्टिंग, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट ट्रीट किया आपने, करेक्शन क्या होगी, डबल से डेबिट करेंगे, ठीक है। और डबल से डेबिट करेंगे तो मीन्स यहाँ पर ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, डेबिट डेबिट प्लस, या रिसीवेबल डेबिट में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ऐड होगा। अब इसका सम कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया एडजस्टेड बैलेंस 45,000। क्लियर? अब इसको कॉपी कर लें। नंबर टू, नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेल्स लेजर कंसोल अकाउंट। अच्छा सिर्फ ये बताना है, इसमें देखिए तीन एरर्स हैं, इन तीन में से किन एरर्स की करेक्शन कंट्रोल अकाउंट में होगी ये बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है। एरर ए में क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स वैल्यूड एट 200 हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट, तो कंट्रोल अकाउंट में करेक्शन होगी नहीं होगी, क्लियर लिखा हुआ है, तो हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंट्रोल अकाउंट, तो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे।
एरर बी कैश रिसीव्ड ऑफ 80 हैज बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट एज ए, बी की करेक्शन नहीं होगी। बी का इफेक्ट कहां पर आएगा? लिस्ट के बैलेंस पे, कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एरर सी, चेक फॉर 300 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैड बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक बट नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड इन कंट्रोल अकाउंट। तो क्लियर लिखा हुआ है, तो इसकी भी करेक्शन। अच्छी क्या, कौन सी वाली करनी है? सी वाली ना। क्या लिखा है? चेक फॉर रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ए और सी ये दोनों कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, और जो बी है ये आपका रिकंसिलिएशन में जाएगा। एरर ए और बी का इफेक्ट होगा कंट्रोल अकाउंट। क्लियर? ए और बी, बी हो गया ए और सी। ए और सी का इफेक्ट आएगा कंट्रोल अकाउंट पर, और एरर बी का इफेक्ट आएगा आपके लिस्ट के बैलेंस। अच्छा, ये खत्म हो गया यहीं पर। तो आंसर हो जाएगा 4 का, ए और सी। अब क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें वही 4 कंटिन्यू हो रहा है। अब क्या लिख रहे हैं? इसका बैलेंस एज पर डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट डीएलसी है। डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट इज 40,000 इस। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन 4 ही की बात हो रही है। इफ द बैलेंस एज पर डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट डीएलसी है इन क्वेश्चन नंबर 4 इज 20,000 बिफोर एडजस्टमेंट, कंप्यूट द एडजस्टमेंट एडजस्टेड बैलेंस। अब ये कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है, अब आपने एडजस्टेड बैलेंस निकालना है। तब एरर क्वेश्चन 4 में जो एरर 1 और एरर सी है उनका इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पे आएगा ना। तब हम बनाएंगे कंट्रोल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 5 कंट्रोल अकाउंट बनेगा, बैलेंस आपको गिवन है 20,000, ठीक है। अब एरर 4 में, एरर वो जो क्वेश्चन नंबर 4 में एरर ए और सी की करेक्शन करेंगे, तो ये 5 का आपका करेक्ट बैलेंस आ गया। अच्छा, एरर ए में बताएं करेक्शन क्या होगी। रिटर्न इनवर्ड्स वैल्यू 200 हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंट्रोल अकाउंट। नॉट इंक्लूडेड मीन्स रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड्स की एंट्री क्या होगी? रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। एरर बी का इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पर नहीं होगा, ये इंडिविजुअल पे इफेक्ट आएगा। अच्छा, एरर सी, अ चेक फॉर 300 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक बट नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट। चेक डिसऑनर हुआ है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो डिसऑनर चेक की डबल एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट क्यों होगा? डिसऑनर चेक की डबल एंट्री क्या हो गया? बीआरएस में पढ़ाया था डिसऑनर चेक। देखिए, जब क्रेडिट सेल करते हैं तो कैंट्री बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब चेक डिसऑनर हो गया तो अब क्या बनाएंगे एंट्री? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। डिसऑनर चेक की एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। तो अब यहाँ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 300 से, अकाउंट क्लोज करते हैं। अच्छा, टोटल आ गया डेबिट साइड का 20,300, डेबिट के टोटल से 200 माइनस करेंगे तो एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 20,100। एडजस्टेड बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर? क्लियर? कॉपी कर लें।